हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन में आज हम नए और सरल तरीके से लाजवाब मैंगो केक बनाएंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। तो उसके लिए हमें बोल ले लेते हैं। एक तिहाई कप तेल है, तेल की जगह आप मक्खन या देसी घी भी ले सकते हैं। एक तिहाई कप पिसी हुई चीनी है। चीनी और तेल को मिक्स करते हैं। एक तिहाई कप दही है, दही की जगह आप कंडेंस मिल्क या फिर अंडा भी ले सकते हैं। छन्नी रखते हैं। एक कप आटा है, आटा डाल देते हैं। आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर है, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है। सबको मिक्स करते हैं और छन्नी में छान लेते हैं। अब हम केक के लिए बैटर बनाते हैं। आधा कप पानी है। हम केक के बैटर में मैंगो चंक्स या फिर प्यूरी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उसका टेस्ट स्वीट पोटैटो जैसा आता है, जो केक में अच्छा नहीं लगता है। आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस है। केक का बैटर बनके तैयार हो गया है। हमने केक के मोल्ड को चारों तरफ घी से ग्रीस कर दिया है, और ये हमने व्हाइट पेपर लिया है, इसे भी अच्छी तरह घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम बैटर डालते हैं। बैटर डालने के बाद हम मोल्ड को हिला देंगे, जिससे बैटर इवनली स्प्रेड हो जाए। केक बनाने के लिए हमने ये पुराना एल्युमिनियम का कुकर लिया है, इसकी गास्केट निकाल देते हैं और सीटी भी हटा दिया है। कुकर में हम 1/4 कप नमक डाल देते हैं। हमने कुकर को 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने रखा था। मोल्ड को कुकर में रख देते हैं और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। 30 मिनट के लिए हम केक को बेक करते हैं और फ्लेम को लो पर कर देते हैं। बीच में एक बार हम केक को चेक करके देख लेंगे कि आप केक अवन में बना रहे हैं तो अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके केक को 25 मिनट के लिए रख दें, केक बन जाएगा। 30 मिनट हो गए हैं, हम केक चेक करके देखते हैं केक बनाए कि नहीं। एक तो हम एक टूथपिक लेंगे, केक में डालेंगे, यदि साफ निकलेगी तो हमारा केक बेक हो गया है। हमारी टूथपिक साफ है, केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम केक को मोल्ड से हटाते हैं। तो हम केक के चारों तरफ चाकू घुमाएंगे तो केक मोल्ड से हट जाएगा। केक को बाहर निकालने के लिए हम मोल्ड के ऊपर उल्टी प्लेट रखेंगे और प्लेट को सीधा कर देंगे और थपथपाएंगे, केक बाहर आ जाएगा। हम पेपर हटाते हैं और केक को सीधा कर लेते हैं। अब हम केक को ठंडा होने देते हैं। केक ठंडा हो गया है, हम केक के 2 पीस बना लेते हैं। हमने केक के 2 पीस बना लिए हैं। केक किनारे से गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहा है और बीच में भी पोर्स दिखाई दे रहे हैं। हमारा केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम केक पर लगाने के लिए मैंगो स्लाइस बनाते हैं। हम आम को पतला पतला काटेंगे। हमने स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने स्ट्रिप्स को ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं किया है, बीच का बनाया है, जिससे हम मोड़ेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अब हम केक पर लगाने के लिए मैंगो क्रीम बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक जार ले लिया है। ये 1/2 कप आम के टुकड़े हैं, जार में डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी है, इसे डाल देते हैं और प्यूरी बनाते हैं। 1 चम्मच गाढ़ी और ताजी दही है। 1/2 कप ताजी मलाई है, इसे जार में डालते हैं और क्रीम बनाते हैं। मैंगो क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम केक पर लगाते हैं। हमने आम को 2 शेप में काटा है, तो छोटे वाले पीस जो है हम उन्हें केक के बीच में लगाएंगे और लंबे वाले केक के ऊपर लगाएंगे। हमने केक में आम के टुकड़े लगा दिए हैं। अब हम केक के ऊपर दूसरा पीस रखते हैं। दूसरा पीस रखने के बाद उस पर भी क्रीम लगाते हैं। हमने केक पर क्रीम लगा दी है। अब हम आम से रोज बनाते हैं।
अब मैंगो रोज बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्रीम से केक की साइड में कोटिंग कर देते हैं। अब हमारा हेल्दी और टेस्टी मैंगो केक बनकर तैयार है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम केक को काटेंगे। अब हम केक काटते हैं। जो मैंगो चंक्स लेयर के बीच में लगाए हैं, उनसे केक का स्वाद उभर कर आता है। अब हम आपको केक काट के दिखाते हैं। केक स्मूथली कट रहा है। केक काफी सॉफ्ट है और काफी टेस्टी भी है। आप भी इन गर्मियों में मैंगो केक बनाइए और आम का आनंद लीजिए। आपको केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी मैंगो केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक।